और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन में आए दिन जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। शिकायतों के बावजूद न प्रबंधन में सुधार आ रहा है और न ही जिला प्रशासन इस मामले में कोई पुख्ता कदम उठा रहा है। खरगोन के कोतवाली पर जिला अस्पताल के प्रसूति एवं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र बड़ोले और स्टाफ की लापरवाही से प्रसूता गीता की मौत होने के आरोप लगाते हुए मृतिका के पति संजय काग ने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित संजय काग ने बताया कि उसने उसकी पत्नी गीता को 27 जुलाई 2019 को प्रसूति के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। नॉर्मल डिलीवरी के बाद डॉक्टर महेंद्र बड़ोले ने टीटी ऑपरेशन किया। एक दिन बाद से तबीयत खराब होने के बाद अनदेखी करते करते तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। प्राइवेट अस्पताल में दिखाने पर पता चला पेट में मवाद पड़ गया है। मजबूरन इंदौर MY हॉस्पिटल ले गए। कुछ दिन इलाज और ऑपरेशन के बावजूद उसकी मौत हो गई। इसी दौरान पति के साथ नवजात बेटे की भी मौत हो गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि डॉक्टर बड़ोले और स्टाफ की अनदेखी से पत्नी और नवजात बेटे की मौत हुई है। कानूनी कार्रवाई कर सबक देना चाहिए ताकि किसी अन्य के साथ कोई डॉक्टर ऐसी लापरवाही न करे। वहीं TI ने जांच की बात कही है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, महेंद्र बड़ोले जी डॉक्टर साहब थे, उनके पास में ये जो पूरा केस था डिलीवरी से लगे के आखिरी तक का, तो 28 तारीख को डिलीवरी हुई। सर सुबह नॉर्मल में लड़का हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई, माँ बच्चा दोनों स्वस्थ थे सर। और 30 तारीख को सर TT का ऑपरेशन करवा दिया। TT का ऑपरेशन के बाद में रात से उसका थोड़ा से दर्द होने लगा, तो सुबह जैसे रात गुजर गई सुबह उसको उल्टियाँ होने लगी। फिर यहाँ मैडम को दिखाया अस्पताल में, मैडम इसकी हालत ख़राब हो रही है, देखो, तो बोले कि हो जाएगा, ऐसे होता है, बोले कोई कोई ऐसे ऑपरेशन में हो जाता है, बोले तो यहाँ पर चलता रहा इलाज। लेकिन 6-7 रोज हो गए मरीज़ की ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी सर, तो हमने उसको प्राइवेट में दिखाया। यहाँ बोले भी नहीं हमने अस्पताल में इसको प्राइवेट में ले जाए, क्योंकि ले नहीं जाने देते। हमने कैसे करके उसको प्राइवेट में दिखाया, वीरमणि में ले गए, वहाँ पे डॉक्टर साहब को दिखाया, तो उनके असिस्टेंट थे, तो उन्होंने कहा कि भैया ये TT ऑपरेशन सरकारी ऑपरेशन का मामला है, इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आप वहीं पर बताओ चाहे फिर यहाँ से रेफर करवाओ, जैसे भी आपकी इच्छा। बोले हम इसको नहीं देख सकते हैं, तो हम वापस ले गए वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, और वहाँ पर जाके निवेदन किया मैडम से कि मैडम इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो बोले भैया हम डॉक्टर हैं, आप हैं, तो फिर भी हम नहीं माने। तो हमने कहा कि इसकी ज़्यादा तकलीफ है, आप देख तो रहे नहीं उसको कि क्या है क्या नहीं, इसके पेट में देख लो, नहीं भी एक्सरे करवाओ, सोनोग्राफी कराओ, कुछ भी तो करवाओ, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया सर। फिर हमने कैसे करवा कि यहाँ से रेफर करवा इंदौर सर। इंदौर रेफर करवाने के बाद 2-3 रोज वहाँ इलाज चलता रहा, उसके बाद में उसका ऑपरेशन किया गया, उसमें उसके पेट से पस निकला सर 3 लीटर। उसके बाद में 2-4 रोज के बाद उसकी मृत्यु हो गई सर। बच्चे की भी मौत हो गई सर। बच्चे की मृत्यु हो गई सर, उसके अभी दूध ही नहीं मिला माँ का, उसके ऊपर के दूध उसको सूट ही नहीं हुआ सर, तो उसकी डेथ हो गई। क्या लगता है डॉक्टर की लापरवाही सर? पूरे स्टाफ की इसमें लापरवाही सर, डॉक्टर से लगा कि पूरे स्टाफ की सर, हमारे सुनी ही नहीं डॉक्टर साहब, तो चलो नहीं थे वो ट्रेनिंग पर है ना, फिर भी उनको बोल के जाना था कि भाई हमने ऑपरेशन रात में किया, इनकी देखना किसी मरीज की हालत तो ख़राब नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, स्टाफ को बोला तो बोले कोई नहीं सुनवे की सर। आखिरी में परिवार इसका पूरा सर बिखर गया। आपने थाने पे शिकायत की? जी सर। सर हम तो ये चाहते हैं कि इंसाफ मिले, ताकि किसी भी और हमारा हुआ सा हुआ, लेकिन किसी का ऐसा परिवार उजड़े ना सर। बस हम तो सर वो क्या है कि हमें जैसे कि 28 तारीख को मेरी मिसेज की डिलीवरी हुई, वो भी नॉर्मल बच्चा हुआ, और उसके बाद में 2 रोज के बाद में TT का ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद से वो कुछ नहीं खा रही है, खाती भी है तो वापस निकाल देती है, उल्टियाँ बार बार हो रही है। तो मैंने सर को बोला मैं कि सर इसकी मतलब हालत बहुत नाजुक होते जा रही है, तो बोले कि वो तो हो जाएगा, वो तो TT का ऑपरेशन हुआ तो ऐसा होता है। तो मैं क्यों सर, तो भी इसकी मतलब तबीयत तो देख लो कैसे क्या रहे, तो बोले हाँ डॉक्टर हम है कि आप हो, तो मैंने कुछ नहीं बोला, फिर मैं चुप हो गया। तो फिर डॉक्टर बोले कि हम देख लेंगे उसको, कहीं भी सब उसका इलाज कर रहे हैं। उसके बाद में थोड़े दिन होते गए, उसके बाद में उसके पेट में पस जमता गया, तो उसको घबराहट चालू हो गई। तो फिर भी मैंने और मेरी इच्छा नहीं मानी, फिर भी मैंने सर को और पूछा मैं कि सर इसकी हालत तो एक बार देख लो, तो बोले हम देख रहे हैं ना, आप बीच में मत बोलो। तो मैंने कुछ नहीं बोला और मैं चुप हो गया। तो भी वो मेरे को बोला करी कि मेरी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। तो फिर मैंने सर को और वापस वहाँ गया ऑफिस में, वहाँ पे बोला मैं कि सर मैं एक बार देख तो लो मरीज़ की हालत, उसके बाद में भले आप जो भी चाहो करना। तो वो कुछ भी नहीं आया, वो नर्स को भेज दिया, नर्स आके देख लिए और वो ग्लूकोज की बाटल लगा दी और चुप हो गए। और उसके बाद में और उसकी तबीयत ख़राब होती गई, फिर मेरी इच्छा नहीं मानी, 4-5-6 रोज 6-7 रोज के बाद में उसके पेट में पस पूरा जम गया,
उसके बाद में मैंने सोचा मैं कि यार अब कुछ भी करके इसकी हालत तो बहुत डाउन होती जा रही है, तो मैं सर के वह अपने प्राउड अस्पताल में गया, तो वहाँ पे इसको लेके गया, तो वहाँ पे भी डॉक्टर साहब ने बहुत मना कर दिया, बोले कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे, इसका हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, टीटी का ऑपरेशन सरकारी में हुआ है, हम इसका इलाज नहीं करेंगे। कितने दिन निकल गए इस तरह से आपकी परेशानी? कौन डॉक्टर थे जिनके द्वारा? 7 रोज़ हो गए, 7 रोज़ में कुछ भी इलाज नहीं हुआ, फिर हमको ज़बरदस्ती यहाँ पे रेफर करना पड़ा इंदौर, और वहाँ पे उसका इलाज हुआ, तो भी उसके इलाज में वो डॉक्टर साहब बहुत बोल दिए हमको कि नहीं बच पाएगी शायद। इंदौर में क्या कहाँ लगा था? इंदौर में अपने सरकारी अस्पताल में MY, तो डॉक्टर साहब ने उनका 3 दिन तो बाटल चली, उसका देख रेख भी अच्छी करी डॉक्टर साहब ने, तो भी उसका कुछ फर्क नहीं हुआ। उसके बाद में हमको बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो भी हमने बोला कि चलो ऑपरेशन करो, मतलब कुछ भी तो बचेगी, तो उसका ऑपरेशन 16 टाँके का हुआ। उसके बाद में कुछ भी बोल पाई ने कुछ भी नहीं, उसके बाद में तो मृत्यु हो गई। क्या लगता है आपने शिकायत भी की, किन किन डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत की? मैंने महेंद्र बड़ेवाले के खिलाफ करिए, खास तो उसके खिलाफ है। क्या लापरवाही के चलते? हाँ लापरवाही है, उसके पास कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है, मैं उसका पति हूँ गीता का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को